देखिए, मैं आपको फंसाना नहीं चाह रहा था, मैं सीधा बोल रहा हूँ, मैं आपको फंसाना नहीं चाह रहा था। कुछ अंदरूनी बातें आपको बोल दूं तो शायद आपके और वो सुनने वाले और चोर जो है चौकन्ना हो जाएंगे। मैं इसलिए भी कुछ सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो उन्हें कह रहा, हाँ मुझे पोस्टर पकड़ने के $500 मेरे अकाउंट में डाले, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं खाली दीवाने बात नहीं करता, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अगर किसी को कहते रहा। और वो लोग इनको बुला के बिठा के इंक्वायरी नहीं करते, वो लोग पूरी इंक्वायरी करके वो मुर्गी के बच्चे को उठा के लेके जाती, इन्हें छील आके वैसा सीधा उठा के लेके चले जाते। आपने धोखा देने की नीयत से आप काम करें, बताइए HYC पैसे जमा किया, किसी के प्राइवेट सेल्फ अकाउंट में कैसा मंगाते, सेविंग अकाउंट में कैसा मंगाते। शहर के एक बहुत बड़े साहब है, वो भी नादानी में कुछ इनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। मैं उनको भी इस वीडियो के जरिए बोल रहा हूँ, भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती करें, ये 500,000 के चक्कर में आपका अकाउंट भी आ गया। उनके कौन से साहब आपको जो है वादा दिलाए हैं कि आप बच जाएंगे, आप हमारे साथ रहो। मैं ये तमाम चीज़ें जानता हूँ, वक्त आने पे काउंटर इंटेलिजेंस कोर्टों में पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन ज़रूर कराएंगे। और ऐसे घर में घुसे और उस घर में से वापस नहीं निकल सके तो पुलिस वाले बेडशीट में लपट के लेके जाना पड़ता है आपको। ये बात नहीं करना, घरों में घुस जाता हूँ कर जाता हूँ, किसी का घर है वो कोई जो है बैतुल खाला नहीं है कि आप घुस जाएंगे उसके अंदर, ऐसा नहीं है। थोड़ी बात करें तो तमीज से बात करना। आपके वालिद देते चंदा अलो मियाँ ये फलस्तीन के नाम पर जो है पैसा खर्च करो बोल के, अगर आपके वालिद देते और अगर आप खा लेते तो हम सिर्फ नाखलक औलाद है बोल के खामोश बैठ जाते। ये आपके वालिद का पैसा नहीं होता, ये लोग ईमानी जज्बे को सामने रख के लोगों ने चंदा। देखिए जोरों शोरों की बात नहीं है, दरअसल बात कोई चंदा ज़कात, ये देखिए चंदा ज़कात की माफिया और हैदराबाद की तारीख जो है ये बहुत पुरानी है। माजी में भी कई जो है चंदा के नाम पर ज़कात के नाम पर एक मुहिम जमानों से सदियों से हमारी पैदाइश से पहले से चलाते आ रहे हैं। यहाँ पर असल मसला ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीन गाजा जाके हम वहाँ पर राशन तकसीम करेंगे, वहाँ पे पानी के बोतल देंगे, वहाँ पर खजूर पहुँचाएंगे, ब्रेड पहुँचाएंगे का वादा शहर हैदराबाद की आवाम से करे सोशल मीडिया के ज़रिए करके, साथ में डेढ़ डेढ़ साल के बच्चों की जो है मासूम बच्चों की लाशें, रोती हुई माँ की गोद में जो है लाशें डाल के वो वीडियोस बैकग्राउंड में एक इमोशनल म्यूजिक चलवा के उसको आवाम के सामने लाके जो है पेश करे मासूम बच्चे। मेरे पास ऐसे कई लोग हैं जो एक बच्चे की रिकॉर्डिंग में अगर आपको सुनाया तो जो है मेरे को व्हाट्सएप पे जो है बच्चे की रिकॉर्डिंग करके भेजा है। बच्चा अपने बाप से बोल रहा है कि पापा मेरे को आप इस बार ईद में ईदी नहीं देना, मेरी ईदी की जगह HYC को आप जो है फलस्तीन के नाम पर जो है आप मेरी ईदी वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर उसके बाद वो बच्चे का बाप अपने बच्चे की ईदी फलस्तीन के नाम पे जो है जो भी डोनेट करना है वो डोनेट कर दिया। वो मेरे पास स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग बच्चे की दोनों चीज़ें मेरे व्हाट्सएप पे मोबाइल में मेरे अवेलेबल है। ऐसे जज्बात में हमारी कौम आके जो है वहाँ पर पैसा डाल दी, ठीक है, बहुत अच्छा है, ईमानी तकाजा है, हमको इस बात से बराबर ईमानी हमको इजाज़त भी देता है कि हम इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस बात से किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन हालात भी अगर हम देखेंगे, देखिए गाजा पट्टी जो है, गाजा स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, गाजा पट्टी के चारों तरफ इसराइल का कब्जा है। इसराइल अगर इजाज़त दे तो कोई मटेरियल, कोई इमदाद, कोई डोनेशन, कोई रिलीफ का मटेरियल जो है गाजा के अंदर पहुंचाया जा सकता है। वहां पर अगर आप देखेंगे जो बॉर्डर्स फलस्तीन को जो टच हो रहे हैं, वो बॉर्डर्स अगर आप देखेंगे तो दुनिया के कई अमीर अमीर ममालिक के लोग भी जो है वहाँ पर आज इमदाद लेके वहाँ पर ठहरे हैं। उनकी जो इमदाद है, जैसा कि मिसाल के तौर पे खतर की इमदाद है, 300-400 ट्रक्स खतर के पिछले 3 महीने से जो है बॉर्डर पे ठहरे हुए, इसराइल उस बात की इजाज़त दे रहा नहीं, फलस्तीन के अंदर वो इमदाद पहुँच रही नहीं। वैसे ही आप खतर की इमदाद है वहाँ पर, वहाँ पर तुर्की की इमदाद है, UAE की इमदाद है, सऊदी अरेबिया की इमदाद है, ऐसे बहुत से ममालिक के हज़ारों ट्रक्स बॉर्डर पर ठहरे हुए हैं, इसराइल उस बात की इजाज़त परमिशन इनको दे रहा नहीं, इसलिए वो ट्रक्स अंदर जा रहे नहीं। तो इस बुनियाद पे आप देखेंगे कि वहाँ पर हालात क्या है। और मैं यहाँ पर इस बात का बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दूँ,
आज मैं हाल ही में देख रहा हूँ कि वीडियोस बनाए जा रहे हैं, गाजा से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, फलस्तीन से वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बनाकर जो है ये बताया जा रहा कि जो है वहां पर जो है पहुंचा दिया। ये हमारी आवाम को जो है एक बेखौफ बनाने वाला काम है। देखिए अक्टूबर 11, 2023 उस दिन से लेके आज की तारीख तक गाजा में इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल शट डाउन है, मोबाइल के नेटवर्क्स बिल्कुल शट डाउन है, वहाँ के बॉर्डर्स को सीज कर दिया गया, वहाँ पर कोई रिलीफ मटेरियल्स नहीं पहुँचाया जा रहा। हाल ही में 3 मटेरियल्स छोड़े थे तो हमास ग्रुप वो 3 मटेरियल के गाड़ियों को भी जो है बमिंग करके उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तो नहीं पहुँचाया जा सकता। चलिए अब हैदराबाद के अंदर करोड़ों रुपया चंदे के नाम पर, मैं वाजे तौर पर कह दूँ मेरे अपने सोर्सेस से जो मुझे इत्तला है कि 26 करोड़ का चंदा, कोई लोगों ने मुझे ये कहा कि 40 करोड़ का चंदा, कोई लोगों ने मुझे ये कहा कि 15 करोड़ का चंदा, किसी लोगों ने मुझे कहा कि 40 करोड़, 20 करोड़, बरहाल सबके अपने अपनी मुख्तलिफ राय है उसके ऊपर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल मीडिया पे आके फलस्तीन के नाम पे जो चंदा पूछे, अरे भाई मैं वीडियोस बनाना बंद कर देता हूँ, मैं अपने पेज पे आपकी मुखालिफत करना बंद कर देता हूँ। आप सिर्फ इतना करिए कि आपके बैंक में कितना पैसा आया, आप उसको पब्लिक के सामने, आवाम के सामने लाके बता दीजिए, क्योंकि वो आवामी पैसा है। अगर वो किसी के बाप की जागीर होती, अगर किसी का बाप अपने बेटे को देता तो मैं इस पर सवाल बिल्कुल नहीं करता। ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये आवाम का पैसा है और सोशल मीडिया के जरिए पूछा गया, तो जाहिर सी बात है। अच्छा अब मैं यहाँ पे बोलूंगा, कोई पूछेंगे मुझे बिलाल भाई क्या आप दिए, यकीनन हर स्कैनर पे मैं भी पैसा डाला हूँ अपने जाति ICC के जो है मेरे बैंक अकाउंट से, ख्वाजा बिलाल अहमद का जो खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, मैं उसमें भी इनके तमाम जितने स्कैनर्स है उस पर पैसा डाला। मैं इसलिए भी डाला, चलो पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचा तो सवाल करेंगे, नहीं अगर सवाल का जवाब नहीं मिला तो ये पूरे स्कैनर्स, क्योंकि मैं डोनर भी हूं, ये पूरे स्कैनर्स लेके जाके मैं खुद हाईकोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन फाइल करूंगा। हाँ, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करने से पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना पड़ता, क्योंकि हाईकोर्ट भी बोलता डायरेक्ट आप मेरे पास नहीं आना, क्योंकि अब पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए हमने रेन बाजार PS में कंप्लेन करवाई, सैदाबाद PS में एक वकील साहब है उन्होंने कंप्लेन की, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन, यहाँ FIR नहीं हुआ है। जब अगर FIR नहीं हुआ है तो FIR क्यों नहीं हुआ उसके लिए भी हम कोर्ट को जाएंगे, क्योंकि डोनर हूं, मेरा हक बनता और एक आवाज उठाता हूं किसी सब्जेक्ट पे, तो उस बुनियाद पे 2-3 चीजों को लेके बराबर हाईकोर्ट को जाएंगे, जाके हाईकोर्ट के अंदर ये सवाल करेंगे कि देखिए हमारे सामने एक सोशल अपील आई थी और सोशल अपील पे सिर्फ मैं नहीं कई लोग, जब मैं ये बात बोला तो मेरे इनबॉक्स स्क्रीनशॉटों से भर गए, मेरे इनबॉक्स रिसिप्ट से भर गए, कैश रिसिप्ट के अमाउंट्स में मेरे पास 6 लाख की, 40 हजार की एक, 20 हजार की एक, 4 लाख रुपए की एक, 20 लाख रुपए की रिसिप्ट, कैश की रिसिप्ट, सोशल ऑनलाइन जो अमाउंट्स ट्रांसफर हुए उसके लाखों रुपए के, उसके ट्रांजेक्शन्स लाखों करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन्स, उसके तमाम के स्क्रीनशॉट, छोटे छोटे भी अमाउंट 5 हजार भी है उसके अंदर, 30 हजार भी है उसके अंदर, 500 रुपये भी है उसके अंदर, 200 रुपये भी है, 100 रुपये भी है, ऐसे हजारों स्क्रीनशॉट हमारे पास है। ये पूरे स्क्रीनशॉट्स के प्रिंट्स निकाल के पुलिस स्टेशन पे हमने कंप्लेन की है और उसका उम्मीद करता हूँ। देखिए ये बात को भी समझने की जरूरत है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, इसराइल इजाजत किसको देता, UNO को इजाजत देता, तो UNO के जरिए कोई ममालिक को जो है अगर परमिशन मिली, UNO से कम्युनिकेशन बीच में ला के वहाँ के जरिए आपको फलस्तीन के अंदर मटेरियल पहुँचाना है, जो कि नामुमकिन है। बड़े बड़े ममालिक, बड़े बड़े प्रिंसेस, बड़े बड़े कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर्स और किंग्स वहाँ पर जो है अपनी इमदाद पहुँचाने की पैरवी कर रहे हैं और एक छोटा गली का ऑर्गेनाइजेशन लेके जाके कैसे करोड़ों रुपये पहुँचा भी देंगे, कैसे लेके जाएंगे? RBI की गाइडलाइंस क्या कहती है, किसी को अंदाजा है इस बात की? RBI की गाइडलाइंस ये बात की इजाजत देती है कि आप मान लीजिए अगर मैं किसी बेटे का वालिद हूँ, मेरा बच्चा अगर जो है अमेरिका, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में अगर कहीं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरे बच्चे के पासपोर्ट में, मेरे बेटे के पासपोर्ट में फादर्स नेम में मेरा नाम रहा, तो मैं तब वो बच्चे की यूनिवर्सिटी की फीस की पेमेंट के नाम पर मैं पैसा इंटरनेशनल अकाउंट में, वो भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल सकता हूँ। इसराइल से हिंदुस्तान की दोस्ती है, फलस्तीन की मुखालिफत कर रहा है हिंदुस्तान, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है पैसा आपको हिंदुस्तान से आप डायरेक्ट लेके चलेंगे। अरे भाई आपके अकाउंट में पैसा आ गया, आप जाके वहां पे क्या ATM से विड्रॉ करेंगे? ATM की एक लिमिट होती भाई,
कैसे लेके जाएंगे? क्या हुंडी हवाले से भी जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे? क्या आप किसी यहाँ शख्स को दे देंगे, वो शख्स आपको मिस्र में दे देगा? ठीक है, आप दो, वैसा तो भी करो, वैसा करा तो वो भी इलीगल बिजनेस है। मैं जानता हूँ एक शख्स है, वो पैरवी कर रहे हैं कि वो पैसा इनसे यहाँ ले लेंगे, वहाँ पे जो है उनके कोई रिश्तेदार है वहाँ पे दे देंगे। अगर ऐसा हुआ तो यकीनन हम बोलेंगे कि ये इलीगल अमाउंट ट्रांसफर हुआ, उसके लिए भी कोर्ट की नज़रों के सामने लाएंगे, वो चीज़ को बताएंगे। क्योंकि देखिए, पैसे की जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, कितना पैसा अकाउंट में आया, किन किन स्कैनर में, किन किन अकाउंटों में कितना पैसा आया, अगर आवाम को आप देखिए, आपकी पहली अपील कब हुई? 3 अप्रैल को हुई। आपकी लास्ट अपील कल ही की, परसों की आपकी लास्ट अपील है। आप 3 अप्रैल से लेके आज तक ये फॉलोइंग 100 अकाउंट्स में कितना पैसा आया, आप उसका जवाब दे दीजिए। कभी आके कहते हैं MATW वाले जो है हमसे बातचीत में, हम उनको पैसा दे दे रहे हैं, वो लोग बजा देते हैं। MATW वालों से हम पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं कि हमारा कोई रابطہ नहीं है उनसे। वो कह रहे हैं कि हमने सीधे तौर पे कह दिया कि किसी के अकाउंट में पैसे नहीं मंगाना, मंगाना तो हमारे अकाउंट में मंगाना है, सीधा MATW के उनके अकाउंट्स में जो है पैसा डालना, यानी इनके हाथ को पैसा ना लगता। आप अपील करिए, डायरेक्ट MATW के जरिए चले जाता। तो ये बीच का जो एक स्टेप बना है, जो कमीशन एजेंट की तरह जो काम कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम बराबर जाएंगे। देखिए, पैसा आपको मिल गया, ये बात सच है, अब आप पैसा फलस्तीन तक पहुंचा दीजिए, मेरी मुखालिफत बंद होंगी। जिस दिन हम ये बात को सेटिस्फाई हो जाएंगे कि आपका पैसा गाजा तक पहुंच गया, हम मुखालिफत बंद, बिल्कुल मैं वाजह तौर पे कहता हूँ, मेरी पोस्टिंग बंद हो जाएंगी, मैं कोई सोशल मीडिया के जरिए कोई पोस्टिंग नहीं करूंगा।